फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कुछ फैशनेबल और स्टाइलिश ड्रेसेस के बारे में, जो कि 2019 में एथनिक वेयर में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी ड्रेसेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लुक देती हैं आपको वेयर करने पर, आप इस ड्रेसेस को कहीं भी स्टाइल कर सकते हैं, किसी भी शादी पार्टी में या फिर अपने घर की कोई फेस्टिवल में और किसी भी आप पार्टी में, बर्थडे पार्टी में या फिर शादी में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी ड्रेसेस हैं तो फिर जल्दी से अपने वीडियो में मूव ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फैशनेबल और ट्रेंडी ड्रेस है उसके बारे में बात करेंगे, वो है शरारा। जी हाँ फ्रेंड्स, शरारा और गरारा इस समय फिर से ट्रेंड में चल रहा है, जो कि पहले कुछ टाइम पहले चलता था, फिर से वो फैशन में आ चुका है। वो है शरारा, शरारा और गरारा। तो मैं आपको बताती हूँ शरारा और गरारा में डिफरेंस क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, शरारा जो होता है वो लूज और फिटेड प्लाजो टाइप्स होते हैं जो आप अपनी लॉन्ग कुर्ती के साथ पहन सकते हैं, और जो गरारा होते हैं वो ऊपर से फिटेड होते हैं और नीचे से बहुत ही ज्यादा घेरदार होते हैं, जिसको आप शॉर्ट कुर्ती के साथ पहन सकते हैं। इस टाइप के जो ड्रेसेस होते हैं, जो लुक होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा आपको रिच और रॉयल लुक देते हैं, जिसको आप पहन करके बहुत ही आराम से कंफर्टेबली कहीं भी ट्रैवल भी कर सकते हैं और अपनी शादी पार्टी भी अटेंड कर सकते हैं। कॉटन में भी शरारा आ गए हैं, जो कि मार्केट में आराम से मिल जाते हैं और आप इसे छोटे मोटे फंक्शन में भी वेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा हॉट लगते हैं, और कमिंग सीजन के लिए इस तरह के लुक बहुत ही अच्छे हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर टू है लॉन्ग जैकेट। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉन्ग जैकेट इस समय फैशन में ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप इसको किसी भी तरह से वेयर कर सकते हैं, आप इसको अपने टॉप पर वेयर कर सकते हैं, आपने जीन्स पहनी है ऊपर से क्रॉप टॉप पहना है, ऊपर से आप अपना उस पर लॉन्ग जैकेट डाल सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही मॉडर्न लुक देता है। आपने देखा होगा जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो प्लाजो एंड हैरम पहनते हैं, ऊपर से टॉप पहनते हैं, फिर ऊपर से जैकेट डाल लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। जैकेट है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, आप इसे कहीं भी वेयर कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली लॉन्ग जैकेट है तो आप इसको शादी पार्टी में भी पहन सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा लुक देता है। आप इसे साड़ी के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं। साड़ी पर पहनने के बाद आप जब लॉन्ग जैकेट पहन, आपने अगर प्लेन साड़ी पहनी है ऊपर से आपने एम्ब्रॉयडरी वाली लॉन्ग जैकेट पहन ली है, तो वो भी बहुत अच्छा लुक देता है और बहुत ही ट्रेंडी लगता है। जीन्स के साथ, साड़ी के साथ, कुर्ते के साथ, लहंगे के साथ वेयर कर सकते हैं। दुपट्टा अगर आप नहीं लेते हैं और लॉन्ग जैकेट पहनते हैं लहंगे पे, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। देखेंगे तो आप लॉन्ग जैकेट किसी भी तरह से वेयर कर सकते हैं, किसी भी ड्रेस के ऊपर आप पहन सकते हैं, वो आपको बहुत ही मॉडर्न लुक देगा। अब बात करेंगे नंबर थ्री टॉप मोस्ट फैशनेबल और ट्रेंडी ड्रेस के बारे में, जो कि है रफल साड़ी। जी हाँ फ्रेंड, रफल्स जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आप कहीं भी जाएंगे आपको इस समय मॉल में, मार्केट में, शॉप में, कहीं भी, हर जगह आपको रफल साड़ी, सूट और ब्लाउज, टॉप, सब कुछ आपको रफल्स में मिलेगा, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। रफल साड़ियाँ आपने देखी होंगी, सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा पहनती होगा, दीपिका पादुकोण और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज ये बहुत ज्यादा वेयर करती हैं ऐसी साड़ियां जिसमें कि रफल लगे होते हैं, छोटे छोटे रफल्स भी आते हैं। अगर आप बड़े बड़े रफल्स में कंफर्टेबल नहीं हैं, मतलब जो झालर फ्रिल्स टाइप की होती हैं, अगर आप बड़े बड़े रफल्स में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप छोटे छोटे रफल्स भी खुद भी कस्टमाइज करा सकते हैं। बहुत सारी लेसेस मिलती हैं मार्केट में रफल्स वाली, आप उन्हें लेकर के अपनी साड़ी के साइड साइड में बॉर्डर में लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। आप इसे ब्लाउज में भी लगवा सकते हैं, रफल वाले ब्लाउज ले सकते हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज रफल्स वाले ब्लाउज भी पहनती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे टॉप्स भी आते हैं, लॉन्ग स्लीव्स आती हैं, लॉन्ग स्लीव्स में यहाँ पर रफल्स लगे होते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं शादी पार्टी में जाने के लिए और थोड़ा सा हट करके अपने आप को दिखाने के लिए, तो आप रफल साड़ी जरूर ट्राई कर सकते हैं। इस तरह आप साड़ी को मॉडर्न लुक दे सकते हैं और बहुत ही सुंदर वो लगेगा। टॉप मोस्ट जो इस समय फैशन में चल रहा है वो लॉन्ग स्लीव्स का फैशन चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस समय आप किसी भी ड्रेस में देखेंगे उसकी लॉन्ग स्लीव्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, चाहे वो ब्लाउज हो या टॉप हो, तो आप या कुर्तियाँ हो, तो आप अगर बहुत बड़े बड़े रफल्स में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप छोटे छोटे रफल्स अपने टॉप में भी लगवा सकते हैं, ब्लाउज में लगवा सकते हैं, साइड में अगर स्लीवलेस आपका टॉप है तो आप उसमें भी रफल्स लगवा सकते हैं, मतलब कि आप लॉन्ग स्लीव्स लगवा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है।
करेंगे नेक्स्ट फैशन की। नेक्स्ट जो इस समय ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो है फ्यूज़न ड्रेस। जी हाँ फ्रेंड्स, जो इस समय फ्यूज़न ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है जितना कि वेस्टर्न वेयर है। आपने देखा होगा कि जितना भी वेस्टर्न वेयर है वो सब एथनिक वेयर की तरफ आ रहा है और जो हमारी फ्यूज़न ड्रेस बन जाती है वो बहुत ज़्यादा ही डिमांड में है। इस समय फ्यूज़न ड्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो प्लाजो साड़ियाँ वेयर करती हैं, धोती साड़ी वेयर करती हैं, लहंगा पहने हुई हैं उसके ऊपर साड़ी वेयर करती हैं। तो जितनी भी एथनिक, जितने भी मॉडर्न लुक है वो सब एथनिक वेयर की तरफ आ रहा है। तो आप भी अपनी ड्रेस को एक फ्यूज़न ड्रेस बना सकते हैं। मतलब आपने कस्टमाइज़ करके अपना एक धोती पहना है, मतलब कि एक जो प्लाजो टाइप्स होते हैं वो नीचे पहना है और उसको आपने साड़ी लुक में दे दिया है, एथनिक लुक दे दिया है। तो ये इस इंडो वेस्टर्न ड्रेस जो है वो फ्यूज़न ड्रेस में कन्वर्ट हो गया है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड और डिमांड में है। आप भी इस तरह का लुक अपने लिए ट्राई कर सकते हैं जो कि मीन शादी और इस समय पार्टी में, इस फेस्टिवल में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बट नॉट दी लीस्ट फैशन की बात करते हैं जो कि है मल्टी लेयर। जी हाँ फ्रेंड्स, मल्टी लेयर इस समय बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। इस तरह की ड्रेसेस आप जब वेयर करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको फैबुलस लुक देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रेंडी दिखाता है। तो मल्टी लेयर के इस समय कुर्ते बहुत चल रहे हैं, प्लाजो, स्कर्ट्स, लहंगा, पैंट, ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है जो कि वेस्टर्न और एथनिक वेयर में भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इस समय अगर आप चाहें तो आप अपने लिए मल्टी लेयर के स्कर्ट्स बनवा सकते हैं जो कि पहले टाइम पे चलते थे। जी हाँ, जब हम लोग छोटे छोटे से थे, जब मैं छोटी थी तो मैंने मल्टी लेयर्स की स्कर्ट्स एंड फ्रॉक बहुत ज़्यादा वेयर किया था। तो वो ट्रेंड अब फिर से वापस आ गया है। कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो पहले की जो हमारी पहली वाली जो फैशन थे वो सब फिर से वापस आ रहे हैं। उन्हीं फैशन को आप फिर से रिक्रिएट करके अपने आप को ट्रेंडी और मॉडर्न दिखा सकते हैं। मल्टी लेयर की स्कर्ट्स, लहंगे अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी ड्रेसेस ऐसी आती हैं जो कि मल्टी लेयर में होती हैं, लॉन्ग ड्रेसेस होती हैं, उनको भी आप वेयर कर सकते हैं। स्कर्ट्स आती हैं, लॉन्ग स्कर्ट्स हैं, प्लाजो पैंट्स आते हैं और बहुत सारी स्कर्ट्स आती हैं, लहंगे भी आते हैं। तो मल्टी लेयर के लहंगे फिर से वापस आ रहे हैं जो कि इस समय सेलिब्रिटीज़ भी बहुत ज़्यादा पहन रही हैं, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये छोटा सा एथनिक वेयर 2019 का वीडियो अच्छा लगा होगा कि इस समय मोस्ट ट्रेंडिंग फैशन में क्या चल रहा है। तो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।